all right moving on from that story now another sinking town has emerged in hathri municipality in doda district of jammu and kashmir over two dozen families were shifted to nai basti area after reports of multiple houses developing cracks and sinking a huge landslide in the footsteps of the village led to some of the houses collapsing the area has sunk due to multiple reasons. The biggest one being excessive use of machinery in construction of roads, along with seepage of water. Residents are now demanding relocation and compensation for their houses. बहुत परेशानी ठंड में तो भटक रहे हैं हम इतनी ठंड है ठंड में तो, तो देखो ठंड तो बर्दाश्त की हमने तो जो हमें डर लग रहा है रात को छोटे छोटे बच्चे हमारे पास तो आज शिफ्ट कर रहे स्कूल के लिए स्कूल बीस तारीख स्कूल है वहां से भी निकाल दे हम कहाँ जाए हम ये अपील करते गवर्नर साहब से हमें कहीं रकबा दिया दिया जाएगा हम कहीं वहां पे छुड कुछ भी टेंट लगा के अपने बच्चों को वहां पे रख सकते हैं हम और जितने भी है बेघर हुए उनके लिए सबके लिए अपील कर रहे हैं हम जियोलॉजिस्ट की टीम आई थी कल उन्होंने सर्वे किया यहाँ पे उन्होंने सैंपल जो है वो लिए थे कल तो अभी तक उसका रिजल्ट सामने नहीं आया ना एस साहब को बोला उन्होंने वो बोल रहे थे कि हम जम्मू से आपको बता देंगे कि क्या मसला है अभी तक उसका जो है कोई रिजल्ट नहीं आया है हम उसका ही वेट कर रहे हैं कि ये कहाँ तक जा रहा है ऊपर पर्स में जो टीम आई थी उनने उस टावर तक दिखाया था फिलहाल तो ये ऊपर के लिए खिसक रहा है इधर से जो है काट लगा इसका ऊपर तक मैं एलजी साहब से यही गुजारिश करता हूं कि ये जो बेघर बे हो गए हैं इनके लिए कोई अलॉटमेंट दी जाए कम से कम पांच मरला तो होना ही चाहिए ज्यादा दो मरने अगर जमीनी खाली देंगे तो हम खुद वहाँ पे बना देंगे बस ये देखो कैसी मुसीबत में कभी ग्राउंड में कभी बाहर कभी अंदर परसों से हम रह रहे हैं इधर शेड में ना उधर कुछ इंतजाम है ना कुछ अंधेरे में रह रहे हैं तो बड़ी मुसीबत है बहुत मुसीबत हम पे बहुत कहर टूट पड़ा बहुत मुसीबत है अब गवर्नर साहब है और मोदी साहब से अपील है कि हमें रकबा कहीं दिया जाए जमीन दिए जाए ताकि हम अपना अपने दिन निकालेंगे उधर ये ऐसे क्या करेंगे यहाँ से यहाँ से कभी ऊपर भेजते हैं कभी नीचे आप बोल रहे हैं कि आप बॉयज स्कूल में बैठो तो कल परसों स्कूल खोलेंगे तो वहाँ से भी हमें निकाला जाएगा फिर कहाँ जाएंगे हम